दोस्तों, यदि आपको एकदम से या अचानक से कमर में दर्द हो गया है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों, कमर दर्द सारे दर्दों में सबसे कॉमन होता है। हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी कमर दर्द का अनुभव किया है या अपने किसी नियर एंड डियर वन को कमर दर्द होते हुए देखा है। पर यदि आपको अचानक से कमर में दर्द हो जाए, कोई सामने झुकते हुए चीज उठाते समय या कोई भारी काम करते समय, तो आपको क्या क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स दूंगा जो आपको लाइफ में जरूर हेल्पफुल होंगे यदि आपको या आपके किसी नियर एंड डियर वन को अचानक से कमर में दर्द हो जाए तो। दोस्तों, पहला टिप है कि कॉमनली एक भ्रम फैलाया जाता है कि यदि आपको कमर में दर्द हो गया है तो लंबे समय तक रेस्ट कर लीजिए और कमर में दर्द चला जाएगा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक रेस्ट करना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम तक आपको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और रेस्ट भी कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं होना चाहिए, आप टॉयलेटिंग पर्पस के लिए जरूर उठ सकते हैं। ऐसा कोई भी डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करेगा कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए, क्योंकि ज्यादा दिन तक रेस्ट करने के लिए कमर के आसपास की मसल वीकनेस हो सकती है और दर्द घटने की जगह और ज्यादा बढ़ सकता है। पर दोस्तों, यदि आपको कोई रेड फ्लैग साइंस है कमर के दर्द के साथ साथ, जैसे आपका बावल ब्लैडर कंट्रोल चला गया है या पांव में वीकनेस आ गई है या आपका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा है या आपको बुखार आ गया है या आपके पांव में रिजिडिटी आ गई है, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टरी परामर्श लेना बहुत जरूरी है और डॉक्टरी परामर्श लेने तक आपको बेड रेस्ट पे रहना बहुत जरूरी है। पर यदि आपको ये कोई रेड फ्लैग साइंस नहीं है तो कमर के दर्द में 2 से 3 दिन से ज्यादा बेड रेस्ट बिल्कुल भी ना लें। दूसरा टिप है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को 2 से 3 दिन तक ही स्टॉप रखें, उसके बाद आप नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। बस भारी काम नहीं करना है, सामने झुक के काम नहीं करना है, बाकी आप चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, पर थोड़ी सी सावधानी रखें। तीसरा टिप है, पेशेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, भारी चीज उठा रहा था, एकदम से कमर में दर्द हो गया, तो मैं बर्फ का सेक दूं या गर्म सेक दूं? तो इसका उत्तर है, 2 से 3 दिन तक जिस समय तक आप रेस्ट पे हैं, उस समय तक आप बर्फ का सेक दीजिए। बर्फ का सेक आपके जो खून ले जाने वाली नसें हैं उसको पतला करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होता है। 2 से 3 दिन के बाद आप गर्म सेक दे सकते हो, जो ब्लड की फ्लो को बढ़ा देता है वैसो डायलेशन करके, जिससे हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और मसल रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। तो पहले 2 से 3 दिन तक आपको बर्फ का सेक करना है, उसके बाद आप गर्म सेक दे सकते हैं। चौथा बड़ा कॉमन सवाल होता है पेशेंट का कि हमको दर्द की दवाई कब तक खानी चाहिए। दोस्तों, एकदम से कमर में दर्द हो जाए और आप बेड रेस्ट पे हैं तो आप दर्द की दवाई ले सकते हैं, जो भी आपको ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन मिले वो ले सकते हैं। पर 7 दिन से ज्यादा उन मेडिकेशंस को बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर वो मेडिकेशंस लेके 7 दिन के अंदर अंदर भी आपका कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। दोस्तों, अगली बात पेशेंट्स की अक्सर आती है कि 2 से 3 दिन तक हम डॉक्टर साहब रेस्ट तो कर रहे हैं पर किस पोजीशन में लेटे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो यदि आप सीधे लेटते हैं तो अपने घुटने के नीचे एक तकिया रख लें, उससे आपकी इलियोसोआस नाम के जो मसल्स हैं, जो हमारे हिप जॉइंट को फ्लेक्स करते हैं, वो बहुत हद तक रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे यदि आपको स्लिप डिस्क हुआ है उस पे बहुत असर पड़ता है, वो एरिया रिलैक्स हो जाता है और डिस्क को चांस मिल जाता है अपनी जगह पे वापस अंदर चले जाने का, तो इससे आपका कमर में दर्द कम हो जाता है। यदि आप एक साइड पे करवट लेके लेटना चाहते हैं तो वो भी आप लेट सकते हैं। अपनी दोनों टांगों के बीच में एक तकिया रख लीजिए और अपने दोनों घुटनों को फोल्ड कर लीजिए और कर्ल्ड पोजीशन में सोइए। दोस्तों, अगला टिप आता है आपकी एक्सरसाइज रिलेटेड। तो दोस्तों, जहां तक एक्सरसाइज की बात है, कमर के लिए बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज सबसे यूजफुल होती हैं यदि आपको एक्यूट ऑनसेट लो बैक पेन हो चुका है, क्योंकि सबसे कॉमन कॉज स्लिप डिस्क ही होता है और वो एक्सटेंशन एक्सरसाइज से डिस्क वापस अपने पोजीशन में चली जाती है। पर एक्सरसाइज को कमर में दर्द शुरू होने के पहले 3 से 4 दिन नहीं करना है, उसके बाद ही लेना है और डॉक्टरी परामर्श के साथ ही लेना है। खुद से एक्सरसाइज ना करें, खुद से ट्रीटमेंट ना करें और इंटरनेट के ज्ञान के बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी ना अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। अगला टिप आता है, खाना क्या है आपको। दोस्तों, एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील लेना बहुत जरूरी है यदि आपको कमर में दर्द हो रहा है। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लेना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी आपसे बहुत सारे वीडियोज में शेयर किया था कि यदि आपको आर्थराइटिस हो रहा है या आपको लो बैक पेन हो रहा है तो आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए। प्रॉपर हाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है, 3 से 4 लीटर पानी पीते रहे
रहें और प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट फुल ऑफ प्रोटीन्स एंड कैल्शियम जरूर लेते रहें। दोस्तों अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि यदि आपको या आपके परिजन को एकदम से कमर में दर्द हुआ है तो बिल्कुल भी उसको सेल्फ ट्रीट नहीं करना है, इंटरनेट के ज्ञान के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करना है, डॉक्टरी परामर्श लेना बहुत जरूरी होता है। एकदम से कमर में दर्द हो जाना एक बहुत सीरियस कॉज भी हो सकता है और एक नॉर्मल लुकिंग कॉज भी हो सकता है, तो इसका डिसीजन डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। दोस्तों आप जानते ही हैं मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है, हम दर्द का ट्रीटमेंट करते हैं होलिस्टिक नॉन सर्जिकल वेज से, हमारे 8 सेंटर हैं दिल्ली NCR में और हम इस YouTube चैनल पे आपके साथ ऐसी बहुत सारी जानकारी भरी वीडियो शेयर करते रहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। थैंक यू।